अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हां तुहाडा मेज़बान मुहम्मद रमज़ान। उम्मीद करना तुसी सारे भैन भरा ठीक ठाक ते राजी बाजी होवोगे, अपने अपने घरां दे विच लांदे कबूतरां दी बाजी। ते अज मैं तुहानू करान जा रहा हां तीन रोटियां इंट्रोड्यूस, जो कि बहुत मज़ेदार ते लजीज पकदियां ने। ते तुसी चलो मेरे साथ ते मैं भी तुहाडे जाना साथ। ते चलो फिर रोटियां वेखने आं किदां किदां पक्कियां ते क्यों क्यों पक्कियां ते किन्ने किन्ने पकाईयां। ये है जी हमारी सबसे पहली रोटी, मिस्सी रोटी इसे बोला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा लजीज होती है। इसके अंदर डाला जाता है जी मज़ेदार सा ताज़ा फ्रेश हरा धनिया, और साथ साथ भाई साहब लहसुन की मज़ेदार सी पूके, बिल्कुल हरी भरी ताज़ा फ्रेश, और इसके साथ खूबसूरत और ताज़ा फ्रेश खुशबू वाली देसी मेथी। इसे काट कर ग्राइंड ग्राइंड करके भाई साहब मज़ेदार से मतलब के कनक के आटे में डालकर इसे तैयार किया जाता है, और ये इतनी लजीज होती है। आप अपने घर में बनाएं और मज़े से खाएं, और साथ साथ भाई साहब इसके अंदर नमक और थोड़े से मसाले डालते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। मसालों के अंदर डाला जाता है जी मज़ेदार सी हरी हरी मिर्चें, और साथ साथ भाई साहब होती है जी लाल पीसी हुई मिर्चें। थोड़ा सा नमक अच्छा तरीके से डाल लें, जो कि आप जितना हसब ज़रूरत डाल सकती हैं। तो अगली रोटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी अभी। आवे जी साड़ी मज़ेदार सी जो की रोटी, जो कि सुन्नत भी है खाना इसे। तो इसके अंदर हमने डाली है जी चीनी, और ये मीठी रोटी बन गई है। ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और फैंटास्टिक होती है। और ये है जी कनक की रोटी, इसका घी लगा के पराठा बनाया है। ये तो आप सब ने खाया होगा, इसका तो जवाब ही अलग है। और साथ साथ चने और चाय, और हाय हाय ते बाय बाय। उम्मीद करना तुहानू छोटा जिहा व्लॉग अच्छा लग्या होगा। अच्छा लग्या तो लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब करो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते रहेंगे नवे नवे व्लॉगों के नाल। बाय बाय, टाटा सी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई।